हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में बेसिक क्लास से आप लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब इसके बाद आज का अपना जो है गरीबों की ताकत कहें, गरीबों का और सब्जियों का राजा कहें, तो इसको शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रानी को खोजेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास है आलू के बारे में, जो है कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, बहुत अच्छी जो है सब्जी है और स्टेबल फूड के नाम चौथा स्थान अपना जो है आलू का भी विश्व में चौथे स्थान पर स्टेबल फूड के नाम पर आता है आलू, ठीक है। पहला धान हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक। तो आज जो है हम अपना कवर करेंगे आलू के बारे में। इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है आलू का, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी हम बताएंगे भी, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक कर दिया करिए क्लास को, और लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो है इसकी जानकारी मिल सके, और अपने क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आलू को देखिए, बेसिक चीजें हमने जैसे कि आप लोगों को क्लास में बता दिए हैं कि आलू का बी एन नेम क्या होता है और इसकी फैमिली क्या होती है, सोलनेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 24 होता है। लेकिन जो हमारे भारत में करते हैं खेती या व्यवसायिक रूप से जो करते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, उसका जो होता है आपका 48 होता है। बेसिक क्रोमोसोम पूछा जाता है आलू का, बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, आइए नोट डाउन करते रहिए, साथ में चलते रहिएगा। तो आलू डालेंगे आप, पोटैटो जिसे कहा जाता है आलू, फलों का राजा कह रहे हैं, जो है सब्जियों का राजा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पोटैटो, ठीक है, आलू जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, गरीबों का दोस्त, गरीबों की ताकत और सब्जियों का राजा। इसको आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, गरीबों का सब्जियों का राजा लिख लीजिए पहले, सब्जियों का राजा, गरीबों की ताकत, ठीक है। सब्जियों का राजा, गरीबों की ताकत, गरीबों का दोस्त किसे कहा जाता है, तो आपके जो है आलू को कहा जाता है, ठीक है। और रेशा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ, अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि बी एन नेम के जानते हैं ना, सोलेनियम ट्यूबरोजम होता है, फैमिली क्या होती है, सोलनेसी होती है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, पेरू होता है, ठीक है। बेसिक चीजें आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है। हम बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आलू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है किसके, और इसको किस नामों से जाना जाता है, फेरिना नाम से जो होता है स्टार्च जो होता है पाया जाता है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे आप जो है सब्जियों पर, आगे हो गया। अब जो लिखना है आपको, आलू में जो प्रचुर मात्रा में जो है क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, आलू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और जो होता है किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च पाया ही जाता है लेकिन किस रूप में पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा, फेरिना के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में स्टेबल फ्रूट में चौथे स्थान पर, ये स्टेबल जो होता है फूड होता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे आप, भारत का स्टेबल फूड कौन सा है, तो आलू है। चौथे नंबर का स्टेबल फूड है तो आप कहेंगे चौथे नंबर का, पहले नंबर की बात करेगा स्टेबल फूड का, पहले नंबर की बात करेगा
आप किसे कहते हैं? धान। दूसरे नंबर पर गेहूं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मक्का, और चौथे नंबर पे आपका आलू आ जाएगा, ठीक है। बगैर आलू के कुछ संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए गरीबों की ताकत सब्जियों का राजा कहा जाता है, हर जगह इसके बगैर अधूरा होता है, ठीक है। और प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? फेमिना के रूप में पाया जाता है। एक पॉइंट और आप लिखेंगे जो है, आलू में रेशा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू में रेशा और CHO कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, और ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आलू में एक जो हम अब मैप से सिखाएंगे, अब मतलब डायग्राम बनाते हैं आपका आलू का, उसी में सारे चीजों को आप लोगों को बता देते हैं। कंद क्या होता है, कंद की साइज कितना होती है, एगौरा वगैरह जो होते हैं इसको जो है हम कवर करते हैं अभी आप लोगों को, ठीक है। आलू का जैसे कि पौधा हो गया, हम बताते हैं आपको, बनाते हैं आलू का अपना ये जो है, चलिए आलू का ये पौधा हो गया, मान लीजिए मिट्टी हो गई, ठीक है। ये जो है आपका ये आलू का ठीक है, ये आलू का जो है मान लीजिएगा ऐसे आलू का पौधा है, पत्ती है, ठीक है। और ठीक है, और ये आपका जो है ठीक है, ये आपका मिट्टी है, ठीक है, ये आलू है। अब यही इसी का खेल पूरा है, इतना आप समझ जाएंगे तो इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप पॉइंट को ध्यान रखना है, इसमें आलू में ये क्या होता है, फूल आता है, ये क्या है, फूल होते हैं ना, फूल होते हैं। फूल का रंग कैसे होता है पूछ लेगा, आलू में फूल का रंग कैसे होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। और जो सफेद भी होता है, सफेद भी होता है, जैसे आपका मटर में हुआ, जैसे मटर में सफेद भी होता है ना, और इसके बाद वैरायटियां जैसे डिफरेंट होती, तो उसमें किसी में जो होता है इस तरीके का, किसी में बैंगनी सफेद होता है, ठीक है। तो ऐसे फूल में, इसमें फूल कैसे होता है, बैंगनी और सफेद होता है, ठीक है। और फरवरी मार्च में फूल आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये जो यहाँ बनते हैं, ये जो है ये क्या है, ये फल होते हैं, फल भी लगता है, ये क्या है, फूल, ये क्या है, फल, ठीक है। फल को जो होता है, अब गुच्छे में लगते हैं, फल गुच्छे में लगते हैं, तो फल प्रकार क्या होता है, सरस होता है या बेरी होता है, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना होगा, पूछ लेगा आलू में फूल जो है किस कलर का होता है, तो बैंगनी सफेद का होता है, फल प्रकार क्या होता है, आलू का बेरी होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ऊपर से ध्यान रखना है, ठीक है। गुच्छे में रहते हैं, और यही जो है आपका भी हम लोग पढ़ेंगे सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, और जो है TPS पर भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अभी हम बताते हैं। अब आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ये तो हो गया, ये जो है आपका, ये मान लीजिए ये क्या है, मेन स्टेम है, मेन स्टेम हो गया, ठीक है, मेन स्टेम हो गया। और ये इसको कहते हैं लेटरल स्टेम हो गया, ठीक है। ये तो अपने काम की बात नहीं है, इतना काम की बात ऊपर है, नीचे बात कर लेते हैं अपना। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मदर टंग, अरे मदर टंग नहीं, मदर ट्यूबर, इसको क्या कहते हैं, ये जिसकी हम जो जिसको लगाते हैं अपने को खेत में, इसको क्या कहते हैं, मदर, यानी कि मदर, मदर ट्यूबर,
ट्यूबर यानी कि मदर ट्यूबर, ट्यूबर को जन्म देती है, यही जो है आपका मेन है, माता है आलू, यही तो आलू काट के लगाते हैं ना, काट के बोते हैं ना, तो यही मदर टैंक हो गया, मदर ट्यूबर हो गया, ये मदर ट्यूबर हो गया, ये आपका ये क्या निकलता है, मान लीजिए यहाँ से जो है ऐसे ऐसे क्या है, रूट हो गया, ठीक है, ये क्या है, रूट हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये जो है इसको, और इसको क्या हम कहते हैं, ये आलू हो गया, तो यहाँ जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर बोले तो कंद, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम जो ये अपना आलू होता है, जो आलू होता है इसमें जो क्या बोलते हैं, जो पुखली जो इसको बोलते हैं अपने लोग, पुखली जो होती है इसमें बोलते हैं, या जो होता है छिलका बोलते हैं, पुखली कहें या छिलका कहें, जो छिलका होता है आलू है ना, आलू का छिलका, छिलके, छिलके को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आलू के छिलको, छिलकों को क्या कहते हैं, तो आलू के छिलकों को क्या कहते हैं हम, पेरिडर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, आलू के छिलकों को क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। तो आलू जब जो पका कम रहता है तो क्या होता है, तो आलू के फुकलाई जो होता है, रगड़ दोगे तो इधर उधर तो पकी नहीं रहती, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मतलब निर्वस्त हो जाती है, इस तरीके से आप समझिए। और उसको जो है पकने में लगभग लगभग आपको 10 से 15 दिन जो है पकने में समय लगता है, पुखली को पकने में, ठीक है, तो ये होता है। तो इस छिलकों को क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये मदर ट्यूबर हो गया, मतलब सभी ट्यूबर को जन्म देती है यही, ठीक है। तो अब एक कंद को, यही तो है खाने योग्य भाग, ट्यूबर को ही तो खाते हैं, तो ट्यूबर क्या हो गया, खाने योग्य भाग, क्या है इसको, खाने योग्य भाग कहते हैं इसको, इतना पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं जो ये आपका, जैसे कि ये आपका सीड हो गया, मान लीजिए चलिए ये सीड हो गया, हम आलू यहाँ निकाल के रख दिए, ठीक है, आलू निकाल के रख दिए, जो यहाँ उनकी जो नोड बनी होती है जिसे आंख कहते हैं, ठीक है, यहाँ नोड होता है इसको, जैसे कि यहाँ बने रहते हैं, यही रहते हैं ना, यही से तभी तो निकलते हैं अलग ट्यूबर, ठीक है, तभी तो यहाँ से जन्मते, तो हम लोग ऐसे से काट देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग कटाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद बुआई कर देते हैं, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो होते हैं नोड जो होते हैं जिसको आंख कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, नोड, नोड, नोड बोले तो आंख कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, ठीक है, आंख कहते हैं। तो अब यही तो अंकुरण होता है ना, यही नोड जो होता है आंख से ही तो अंकुरण होता है ना, तो अंकुरण को बढ़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, कौन से क्या करते हैं, थाई यूरिया का प्रयोग हम लोग 1% जो है थाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, और इस अंकुरण को रोकने के लिए, जैसे कि मैलिक हाइड्रोक्साइड होता है, नर बधता होता है, यानी कि नर का हरण करता है, उसका हम छिड़काव, उसका हम करते हैं। देखिए अंकुरण को बढ़ाना है यानी कि सुसुप्ता को तोड़ना है, डारमेंसी को तोड़ना है, तो हम थाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे अंकुरण, अंकुरण, अंकुरण को बढ़ाना, को अंकुरण को बढ़ाना, बढ़ाना कहे या सुसुप्ता को तोड़ना, सुसुप्ता अवस्था को, सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना, तो किससे तोड़ा जाता है, थायो यूरिया से तोड़ा जाता है, किससे, थायो यूरिया से, थायोरिया का 1% छिड़का, ठीक है, का उपयोग, थायोरिया का उपयोग करके, का उपयोग, उपयोग, उपयोग करते हैं, ठीक है, सुसुप्ता को तोड़ने के लिए बढ़ाना है इसको, ठीक है, और बढ़ाने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इसको रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, रोकने के लिए हम जो है MH मैलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया, आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये जो कंद होता है, ये जो आपका ट्यूबर होता है, कंद होता है, इसका, इसको क्या है, वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तापमान, कितनी तापमान की आवश्यकता होती है, और कितना तापमान रहेगा कि उसका जो होता ट्यूबर ग्रोथ नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कंद की अच्छी वृद्धि हेतु
जो है यहाँ लिखेंगे आप कंद की अच्छी वृद्धि, वृद्धि हेतु कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है, 17 से 19 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, कंद जो होता है कि जब ज्यादा कितने टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो कंद जो है इसका बनना जो है बंद हो जाएगा, कितना, तो वो 32 डिग्री सेल्सियस पे कंद का बनना, ट्यूबर का बनना बंद हो जाएगा कितने डिग्री पे, तो 32 डिग्री पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना पॉइंट को, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो प्रवर्धन तो यही ट्यूबर से ही तो करते हैं इसका प्रवर्धन, तो प्रवर्धन क्या है, ट्यूबर से प्रवर्धन करते हैं, आप लिख लेंगे इसको, प्रवर्धन कैसे करते हैं, प्रवर्धन कैसे करते हैं दोस्त, ट्यूबर से, यानी कि कंद से करते हैं, ट्यूबर से करते हैं, प्रवर्धन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कितने पे हम कितनी दूरी पे बैठाते हैं, तो स्पेसिंग की बात कर लेंगे, दूरी की बात करेंगे, ज्यामिति की बात करेंगे, तो कितना होगा 60 × 20 सेंटीमीटर, 60 × 20 सेंटीमीटर जो है दूरी होती है बैठाते हैं, ये हो गया। अब बात क्या कर देते हैं, फल का प्रकार तो आप जान गए, बेरी होता है, फूल का रंग कैसे आता है, कैसे कलर का होता है, बैंगनी और सफेद का होता है, ठीक है। छिलके को क्या कहते हैं, आलू के छिलकों को क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, और ठीक है मजबूती कब मिलती है, 10 से 15 दिन में छिलका जो होता है मजबूत हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मदर ट्यूबर हो गया, सभी ट्यूबर को जन्म देती है, इसके बाद ट्यूबर जो होता है हम इसका यूज खाते हैं। टेम्परेचर अच्छे ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कंद बनना बंद हो जाता है कितने डिग्री पे, 32 डिग्री पे बंद हो जाता है। अंकुरण को बढ़ाने के लिए जो होता है बीज है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, थायूरिया यानी कि सुसुप्ता डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए कौन सा जो होता है उपयोग करते हैं, थायूरिया का उपयोग करते हैं, और रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये इतने फैक्ट चीजें थी, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है, पॉइंट और लिखेंगे इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री, ठीक है, ये बात हो गई। और इसका ओरिजिन प्लेस जानते हैं ना, पेरू होता है, क्रोमोसोम नंबर 48 होता है, बेसिक चीजें तो है, तो ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति लिख लेंगे आप, उत्पत्ति आप उसी के साथ लिख लेंगे, पेरू होता है, ठीक है। और परागण कैसे होता है, परागण जो होता है स्वपरागण होता है, परागण कैसे होता है, परागण कैसे होता है, परागण की बात करेंगे तो स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, क्लियर हो गया। कैसे परागण किया जाता है, स्वपरागण का जो होता है किया जाता है, यानी कि ठीक है। पॉलिनेशन कैसे होता है, स्वपरागण होता है, जैसे इसका हो गया आलू का हो गया, मटर का हो गया, और जो आपका जो है कौन सा है, टमाटर, ठीक है, आलू मटर टमाटर क्या है, स्वपरागण होते हैं, परागण की क्लास में हमने उसमें बता रखा है सारी चीजों को, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, जो ये आलू हो गया आपका, ये आलू यही समझिएगा आप लोग, आलू हो गया, ठीक है, इसको हम कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपका आलू, ये आपका क्या है, आलू है, ठीक है, ये आलू है, मदर हो गया, ये आलू हो गया, ठीक है। इसको जो है हम करते हैं क्या, कोल्ड स्टोर में आलू को कोल्ड स्टोर करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रुक जाइए, ठीक है, आलू को जो हम करते हैं क्या करते हैं कोल्ड स्टोर में, उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसको हम जो है ध्यान देते हैं। देखिए आलू, ये जो है आपका आलू हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए, चलिए ये कोल्ड स्टोर हो गया, भंडार जहां करते हैं, ये आपका आलू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आलू हो गया, ठीक है, कोल्ड स्टोर हो गया भंडारण के लिए। तो जो है हम क्या करते हैं, यहां जो करते हैं कोल्ड स्टोर में आलू को कितने डिग्री सेल्सियस पर तक रखते हैं, दो से चार डिग्री सेल्सियस,
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, आरएच की बात कर लेते हैं, तो 85 से 90 रखते हैं, ठीक है। तो एक कहाँ कितना टेम्परेचर होता है, यहाँ 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ए होता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। आलू का स्टोरेज टेम्परेचर पूछ लेगा। बात ये कर लेते हैं आपका, अभी हम सीड रेट कितना होता है, बीज दर कितना होता है, सीड रेट की बात कर लेंगे। बीज दर, बीज दर तो कितना होता है, जो होता है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड रेट कितना होता है, बीज दर 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। और स्टोरेज टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, बीज दर हो गया। दो और पॉइंट आते हैं, एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे इतना पॉइंट को, ठीक है, अब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर है इसके शिमला में था, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं और पॉइंट को हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जो होता है एक केंद्रीय आलू अनुसंधान लिखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और एक लिखेंगे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, दूसरा लिखेंगे आप अंतरराष्ट्रीय जो होता है आलू सेंटर, आप यहां लिख सकते हैं इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पोटैटो सेंटर। सेंटर की बात करेंगे सीआईपी, तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला है। शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पड़ता है, तो आपका जो होता है कहाँ पड़ जाएगा, लीमा पेरू, ठीक है, लीमा स्थान है पेरू में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो होता है क्रोमोसोम नंबर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे बेसिकली 24 होता है, और लिख लीजिएगा। और जो होता है हमारे भारत में जो करते हैं व्यावसायिक रूप से खेती 48 पे करते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछेगा आलू का कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं, आगे वाली चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं आगे, और जो है उसको हम कवर करते हैं। चलिए यहाँ भी और कुछ इसमें बता देंगे, इसी में इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और चलिए इसको यहाँ रख देते हैं, इसको हम लोग जो है अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को, जो एफिड होते हैं उसको हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है। आलू का संबंध जो है ल्यूटियो
ल्यूटियो वायरस होता है उसमें क्या करता है, गोलाकार आकार कर देता है पत्तियों पे, ठीक है। तो पूछ लेगा ल्यूटियो वायरस जो है वायरस किससे संबंधित है, किसमें लगते हैं, तो आप बताएंगे आलू में लगते हैं ल्यूटियो वायरस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ल्यूटियो वायरस किससे संबंधित है पूछेगा तो आलू से, आलू में बताएंगे क्या होता है, गोलाकार आकार में होता है। कैसे होता है, गोलाकार आकार में होता है, गोलाकार आकार में होता है ल्यूटियो वायरस, ठीक है। कैसे होता है तो गोलाकार आकार में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भंडारण के लिए जो होता है टेम्परेचर, जैसे कि हमने बताया है भंडारण के लिए लंबे दिन के लिए टेम्परेचर कितना हो जाए पूछेगा आपका भंडारण के लिए तो कितना होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस भंडारण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि क्या होता है 4 डिग्री से कम रहेगा तो जो स्टार्च होता है इसमें सुक्रोज में परिवर्तित हो जाए, सुक्रोज जानते हैं कि मीठी शुगर को क्या कहते हैं, सुक्रोज में कहते हैं। तो आलू जो मीठी हो जाती है तो वो जो उसका टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो आलू जो होती है मीठी हो जाती है, किसके कारण, जो होता है ताप के कम के कारण। आप लिख लेंगे ये जो आलू है आलू में स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, कम ताप हुआ, ठीक है। कम ताप होने पर क्या होता है तो इसमें क्या होता है, कम ताप पर सुक्रोज की मात्रा जो होती है बढ़ने लगती है, क्या होता है जो होता है कम ताप, तो इसमें जो होता है कम ताप पर स्टार्च जो है बदलने लगता है, ठीक है, स्टार्च जो है बदलने लगता है, किसमें लगता है तो सुक्रोज में बदलने लगता है, किसमें, सुक्रोज में, सुक्रोज जिसे कहा था मीठा शुगर, मीठा तो मीठी हो जाती है आलू, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना पड़ा, कम ताप पर तापमान पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, जैसे कि कम तापमान पर फलों का मीठापन जो है बना रहता है। आप जो खट्टे, देखिए हम, देखिए अब इसको, इस बात को समझिएगा, इस बात को देखिए, आपका हमने क्या बताया था, यहाँ क्या बोल रहा है, कम तापमान पर फलों का मीठापन बना रहता है। आप देखिए जहां कम तापमान है, जहां अधिक तापमान है, हमने बताया हार्टिकल्चर में कहां अधिक तापमान था, आपके जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में, यानी कि जो अपना बेल्ट आते हैं बीच में, आपने हमने बताया था वहां के जो होते हैं सब ट्रॉपिकल में ऐसे फल आते हैं जो खट्टे होते हैं, जब खट्टे होते हैं तापमान जाहिर सी बात अधिक होते हैं, ठीक ना। तो जहां तापमान अधिक होगा वहां क्या देखने को मिलेगा, खट्टे फलों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां तापमान कम होता है वहां मीठे फलों को देखने को मिलता है, जैसे आपके ऊपर चले गए सेब वेब हो गए, ठीक, ये हो गया, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टीपीएस बात कर लेते हैं, पोटैटो सीड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टीपीएस होता है एक एसपीटी होता है, सीड प्लॉट टेक्निक, दोनों के एक जो होता है, किसने दिया था टू पोटैटो सीड, इसमें सीड रेट कितना होता है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो होता है, ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था, और आपका सीड प्लॉट टेक्निक आएगा किसने दिया था तो 1967 में पुष्करनाथ ने दिया था। चलिए हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग क्या है आपका जो होता है सत्य, इसको ट्रू को क्या, सत्य आलू बीज यानी कि सत्य को ट्रू बोलेंगे, ट्रू पोटैटो सीड। इसमें पूछेगा किसने दिया था, पहला प्रश्न बनेगा आपका टीपीएस, ठीक है। टीपीएस किसने दिया था, यह तकनीक किसने दिया था तो रामानुजन ने दिया था
ने दिया, किसने दिया था? रामानुज ने दिया था, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बीज दर की बात कर लेते हैं, सीड रेट की बात कर लेते हैं, बीज दर की बात कर लेते हैं। तो बीज दर कितना होता है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो है ये है, और एक पॉइंट को और ध्यान रखना पड़ेगा, सोलन। सोलन क्या होता है? CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है ना, अभी हमने बताया था शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसी में सत्य बीज क्या होता है? क्लाइमेट जानते हैं, कोल्ड होता है, इसके लिए क्लाइमेट की बात करेगा, कोल्ड, ठीक है, ठंडी जलवायु, कोल्ड हो गया जलवायु। और इससे क्या होता है? बीज रहित जो होते हैं, बीज विषाणु रहित जो होते हैं। बीज क्या होते हैं? बीज कैसे निकल होता है इससे? बीज जो होते हैं विषाणु रहित, विषाणु रहित, विषाणु रहित बीज जो है विषाणु रहित होते हैं। इस तकनीक द्वारा जो होता है उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि होती है। इस तकनीक, यहाँ लिख लेंगे, इस तकनीक के द्वारा, इस तकनीक तक नीक के द्वारा 30 से 40% जो होता है उत्पादन में, यहाँ लिखेंगे, इस तकनीक के द्वारा उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि होती है। लिखेंगे, इस तकनीक के द्वारा उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि होती है। जो होता है किस टीपीएस किसने दिया था? रामानुजन ने दिया था, ठीक है। बीज जो होता है विषाणु रहित होते हैं, ठीक। अब टीपीएस कौन से कहते हैं? सत्य जो होता है, सत्य आलू बीज कौन सा होता है? जैसे कि ये आपका, हमने अभी उसमें बताया था, ये आपका क्रॉप हो गया, ये आपका जो है आलू का हो गया, तो यहाँ क्या था? फूल लगा था ना, यहाँ फल लगे थे, फल को क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। यही फल जो होता है टीपीएस कहलाता है, टीपीएस यानी कि सत्य आलू बीज कहलाता है, ठीक है। नीचे तो ट्यूबर हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंदिया, ट्यूबर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? सत्य बीज कहते हैं, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम, ये तो आपका हो गया टीपीएस टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीक हो गया। अब आपको दूसरी तकनीक क्या है? आपका जो है, आपकी दूसरी तकनीक क्या हो गया? एसपीटी यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया था? इसको आप इसके सामने याद रखना, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया था? तो पुष्कर नाथ ने दिया था, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है? टीपीएस, टीपीएस हो गया। आपको लिखना है, अब आपको लिखना है सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट तकनीक, तकनीक सीड प्लॉट टेक्निक, टेक्निक यानी कि जो होता है सीड प्लॉट टेक्निक यानी कि SPT, ठीक है। किसने दिया था? यहाँ तो आपने देखा ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था? रामानुजन ने दिया था। इसको किसने दिया था? तो आप इसको किसने दिया था? तो आप बताएंगे पुष्कर नाथ ने दिया था। किसने दिया था? पुष्कर नाथ द्वारा 1967 में जो है विकसित किया गया था, 1967 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था?
पुष्कर, दोनों दोनों को साथ में याद रखिएगा। पुष्कर नाथ द्वारा 1967 में विकसित किया गया था, ठीक है। उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में विषाणु रहित बीज पैदा किया जाता है। उत्तर भारत में विषाणु रहित बीज जो है पैदा किया जाता है, ठीक है। उत्तर पुष्कर नाथ ने दिया था 1967 में दिया था, और जो है उत्तर भारत में विषाणु रहित बीज पैदा किया जाता है, ये पॉइंट के ध्यान रखना है। और आपका जो पछेती झुलसा लगता है इसमें, पछेती झुलसा, ठीक है, योम मृदा जनित रोगों से बचाता है, मृदा जनित रोगों से बचाव होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इसके लिए जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके द्वारा बीजों को सीड को 2 से 3 साल तक संरक्षित रखा जा सकता है, 2 से 3 साल तक संरक्षित रखा जा सकता। तो कितने साल के लिए संरक्षित रखा जा सकता है, 2 से 3 साल के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। नहीं तो क्या होता था कि आपको हर साल जो है नई सीड लाना पड़ता था, ठीक है। आप जिसे होते ना कोल्ड स्टोर में होता है घर पे आलू, तो अब क्या करते हैं अपन लोग, तो उसको जो है कोल्ड स्टोर में ले जाकर जमा कर देते हैं, फिर जो है उसको ले आते हैं, उसी को जो है हम लोग बुआई कर देते हैं काट के, ठीक है। ठीक, तो 2-3 साल तक कर सकते हैं। तो यही जो है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वायरस का प्रकोप होता है वो नहीं हो पाता है। एक इसमें डीहॉलिंग होता है। डीहॉलिंग का मतलब क्या होता है, उसको ऊपरी वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग काट कर देते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद हम और एक चीज बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो और फैक्ट पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। टीपीएस हो गया, पुष्कर नाथ ने दिया था, अरे टीपीएस जो है किसने दिया था, जो है राम मनोजन ने दिया था, और जो होता है एसपीटी किसने दिया था, पुष्कर नाथ ने दिया था 1967। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका ये जो है आपका ये क्या है, आलू का पौधा हो गया। चलिए मान लीजिए आलू का पौधा हो गया, ठीक है। ये आलू लगी हुई है, ठीक है, ये आलू लगी हुई है। तो हम यहाँ जैसे कि पत्ती हो गया, ये पत्ती जो क्या होता है यहाँ, ये एफिड होते हैं, एफिड का प्रकोप हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है। वह एफिड यानी कि वायरस का प्रकोप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस वेजिटेटिव पार्ट को हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है ना, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट को हम जो है काट के निकाल देते हैं, काट को वनस्पतिक भाग को काट के हटा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डीहॉलिंग कहा जाता है। पूछ लेगा डीहॉलिंग किसे कहा जाता है, तो वनस्पतिक भाग को काट के निकाल देना, उसको क्या कहा जाता है, डीहॉलिंग कहा जाता है। डीहॉलिंग कब किया जाता है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है डीहॉलिंग, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ एफिड का प्रकोप हो जाएगा, वायरस का प्रकोप हो जाएगा पत्तियों पे, ऐसे बिंदी-बिंदी चित्ते, तो इसको क्या करते हैं, काट के हम निकाल देते हैं लास्ट टाइम में जनवरी में, ठीक है। और ये कितने दिन में करते हैं, कितने जो है 10 से 15 दिन में, ठीक है, 10 से 15 दिन का
जब आलू की खुदाई, यानी कि आलू की खुदाई के आलू आलू की खुदाई खुदाई आलू की खुदाई के 10 से 15 दिन पहले जो हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है हम डीहॉलिंग, उसे जो है हम क्या करते हैं? डीहॉलिंग कहते हैं, ठीक है। खुदाई के 10 से 15 दिन पहले हम करते हैं इसको, यानी कि जैसे कि होता नहीं कि पशुओं को खिला, जो प्राकृतिक भाग है इसको हम क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते हैं ना, गाँव में के हैं तो जानते हो ना इसको। तो इससे क्या होती है, आपकी जो होते हैं सीड्स जो होते हैं, ट्यूबर जो होते हैं पक जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये होता है। और इसमें जानते हैं अर्थिंग अप की मतलब जो होता है किया जाता है, कितने दिन में किया जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है, ठीक है। मिट्टी, आलू की मिट्टी कितने दिन बाद चढ़ाते हैं? डे आफ्टर प्लांटिंग, डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। बुआई के बाद कितने दिन के बाद हम करते हैं? 40 से 45 दिन में। 45 दिन में हम क्या करते हैं? 45 दिन में हम क्या है, मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। कितने दिन में चढ़ाते हैं? 40 से 45 दिन में के बाद हम चढ़ाते हैं मिट्टी। और जो डीहॉलिंग की क्रिया की जाती है, पूछ लेगा डीहॉलिंग किससे संबंधित है, तो इससे संबंधित है आलू से। कितने दिन बाद की जाती है? तो आपके कटाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है, यानी कि खुदाई के, जैसे आज खोदना है मान लीजिए हमको, जो 15 दिन पहले 15 दिन बाद हमको खोदना है, तो आज ही हम कर देंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है किस्मों की बात कर लेते हैं, वैरायटियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग रोग में जानते हैं, जैसे कि लेयर ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, फाथो फथोरा इन्फेक्ट्रान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो है डिजीज रोग लगते हैं इसमें, फाथो फथोरा इन्फेक्ट्रान, ठीक है। लेयर ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं, पहले तो हमें क्या याद रखना है, किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं, किस यानी कि वैरायटियों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वैरायटियों की बात कर लेते हैं, जितने कुफरी लग जाता है सभी के सभी क्या होते हैं, जितने कुफरी लग जाते हैं सभी के सभी वैरायटियां कहाँ से होती हैं? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको जल्दी पकने वाली यानी कि जल्दी से होने वाली वैरायटियों को लिखेंगे आप, पहले पॉइंट में लिखेंगे जल्द जो होता है, जल्द पकने वाली, ये जो होता है ये अर्ली मेच्योरिटी, ठीक है, जल्दी पकने वाली। जल्दी पकने वाली में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या उन कौन सी वैरायटियों को ध्यान रखना है जल्दी पकने वालों में? तो कुफरी ज्योति हो गया, कुफरी अशोका हो गया, ठीक है। कुफरी अशोका लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे कुफरी अशोका। अत्र शीघ्र जो है पकने वाली वैरायटी है, ठीक है, कुफरी अशोका। कुफरी अशोका के बाद आ जाएगा ज्योति, आ जाएगा ज्योति के बाद चंद्रमुखी हो जाएगा, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के बाद हो गया अलंकार, हो जाएगा आपका अलंकार के बाद आ जाएगा लवकार, हो जाएगा। और ये जो कुफरी कुफरी लगा है, कुफरी कुफरी तो जान रहे हैं, कुफरी कुफरी जिसमें लग जाएगा, किसमें, किसकी वैरायटी आलू की है, ठीक है। तो ये कुफरी जो है जगह का नाम है वहां का, शिमला में, ठीक ठीक है। तो कुफरी जिसमें लग जाएगा तो जान ही रहे हैं कि उसका, लेकिन आपको ध्यान रखना है पकने वाली, पूछेगा जल्द पकने वाली कौन सी वैरायटियां हैं, ठीक है। तो अब मध्यम वाली, मध्यम पकने वाली दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे, मध्यम पकने वाली वैरायटियां, मध्यम पकने पकने वाली, अभी एक ट्रिक भी बता देंगे आप लोगों को, तैयार हो जाएगा। मध्यम पकने वाली की बात करेंगे, कुफरी जो होता है मध्यम पकने वाली की बात करेंगे, कुफरी चमत्कार, कुफरी चमत्कार हो गया, कुफरी स्वर्ण हो गया, स्वर्णा, और कुफरी जो है शीतमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतमान ठंडे प्रदेशों में, प्रदेशों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब लेड कह सकते हैं, पछेती कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे पछेती, ठीक है, पछेती।
पछेती में किसको ध्यान रखना है आपको, पछेती में ध्यान किसको रखना है, पछेती में लिखना है कुपरी सिंदूरी, कुपरी देवा और सिंदूरी, दूरी कुपरी सिंदूरी और कुपरी डिब्बा बंदी के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, डिब्बा बंदी कुपरी पछेती किसमें, कुपरी जो होता मतलब देवा भी है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चार नंबर पे लिखेंगे प्रोसेसिंग के लिए उसे, प्रोसेसिंग के लिए लिखेंगे कुफरी चिप्स सोना, चिप्स के लिए भी उपयोग किया जाता है चिप्स सोना, चिप्स से आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी वैरायटियां कैसे इसको, इसमें थोड़ा ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद एक लाइन में लिखेंगे, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, आप इसी के सामने लिखिएगा, ठीक है। ये तो आपने देखा कि ये ठीक है, अब बात आपको लिखना है, नोट करके लिखेंगे, जीवन जीवन ज्योति, साथ में बोलिएगा जीवन ज्योति नवीन मोती, जीवन ज्योति नवीन मोती, जीवन ज्योति नवीन मोती, जीवन ज्योति नवीन मोती, कुंदन कुंदन किशोर, कुंदन किशोर, कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, बादशाह अलंकार, जीवन ज्योति नवीन मोती, जीवन ज्योति नवीन मोती ऐसे याद रखेंगे, जीवन ज्योति नवीन मोती, ठीक है। इसको यहां तक याद रखिएगा, फ्लो में जीवन ज्योति नवीन मोती, कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, किसकी वैरायटियां हैं, कुफरी कुफरी सब में लगा लीजिएगा, तो ये किसकी वैरायटियां हैं, आपकी आलू की पोटैटो की वैरायटियां हैं। बादशाह को तो आपको भूलना ही नहीं है, बहुत अच्छा है, सभी रोगों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है बादशाह, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जीवन ज्योति नवीन मोती और यहाँ से कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, किसकी वैरायटियां हैं, तो आप कहेंगे सर आलू की वैरायटियां हैं। और ये जो है आपके सभी की सभी क्या है, पछेती किस्म में आती है, ठीक है, यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होते हैं, पछेती झुलसा प्रतिरोधी रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं ये सब, कुफरी जीवन, ठीक है, जीवन हो गया, ज्योति हो गया, नवीन हो गया, मोती हो गया, कुंदन किशोर अलंकार, ये क्या है इसमें लिखेंगे, पांच नंबर पे आप डाल के लिख लेंगे, क्या है, पछेती, ये सब पछेती वैरायटियां हैं, ठीक है, पछेती झुलसा लगता है प्रतिरोध प्रतिरोधी किस्में हैं, जीवन ज्योति नवीन मोती किंजन कुंदन किशोर बादशाह अलंकार कैसे किस्में, पछेती पछेती झुलता प्रतिरोध रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना जो होता है कि रोग के बारे में याद कर लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर रोग लगता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफथोरा इन्फेक्ट्रान, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा ना, जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, किसकी वैरायटियां हैं, तो कहेंगे आप आलू की वैरायटियां हैं, फिर से कहते हैं जीवन ज्योति नवीन मोती कुंदन किशोर बादशाह अलंकार, किसकी वैरायटियां हैं, आप बताएंगे आलू की वैरायटियां, बादशाह रोग सभी रोगों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटियां है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जीवन ज्योति नवीन मोती किंदन कुंदन किशोर बादशाह और अलंकार और लवकार भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम रोग की बात कर लेते हैं, रोग की बात करेंगे, रोग, ठीक है, रोग की बात कर लेते हैं, तो पहला है क्या है, पछेती झुलसा की बात करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, पछेती झुलसा को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फाइटोपथोरा इन्फेक्ट्रॉन, फाइटोपथोरा इन्फेक्ट्रॉन, फाइटोपथोरा फाइटोपथोरा इन्फेक्ट्रॉन, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जो होता है पटेटो वार्म होता है, ठीक है, और ब्लैक जो होता है ब्लैक स्कर्ब होता है और ड्राई रूट होता है, तो ये और एक बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, ठीक है। तो ये जो रोग की क्लास में हमने बताया सारी चीजों करके, एक क्लास में रोग वाली बताया था, उसमें आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। इसको तो ध्यान रखना है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोपथोरा इन्फेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स से यहीं रखते हैं, तक रखते हैं। बेसिक क्लास से बहुत अच्छी क्लास थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने ऐसा कहीं सीखा है कि नहीं सीखा, आपने सभी बिंदुओं को कवर किया है कि नहीं किया है। बेसिक क्लास में जैसे मैंने क्रोमोसोम नंबर और जो होता है ओरिजिन प्लेस और वीएन नेम उसको हमने बता दे रखा है, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।